हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर वन के बारे में और करेंगे एनालिसिस कि दिसंबर 2019 में जो पेपर आया था वो कैसा आया था। गाइस, नाउ ये वीडियो क्यों इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम्स, यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जब आप कोई भी अटेम्प्ट देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं गाइस, तब पिछला जो पेपर आया था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो आपको एक आइडिया देता है कि हाँ, इस बार वाला पेपर कैसा हो सकता है। लाइक अभी जून में एग्ज़ाम जो होगा यूजीसी नेट का, तो उसके कंटेक्स्ट में दिसंबर 2019 के पैटर्न और एनालिसिस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अबाउट मी, नमस्ते गाइस, मेरा नाम है निहारिका और मैंने अपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 3 बार क्वालिफाई किया है। हैंस फोर्थ मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी एनालिसिस की, किसी भी पेपर का पूरा एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे वेटेज ऑफ ईच यूनिट, एक जो यूजीसी नेट का पेपर होता है उसमें हर एक यूनिट में, हर एक यूनिट से किससे कितने क्वेश्चंस आए और वो जो क्वेश्चंस आए वो किस टाइप के थे, क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डिफ़र करते हैं। तो अगर आपको जून 2020 का यूजीसी नेट एग्ज़ाम देना है, क्योंकि पेपर वन सबके लिए कॉमन होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें पता है कि 10 यूनिट्स होती हैं यूजीसी नेट के पेपर वन में। पेपर वन सबका जनरल होता है, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो पेपर टू का, बट आपको पेपर वन देना ही पड़ता है। वी ऑल नो दिस। 10 यूनिट होती हैं, उसी के हिसाब से देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो है वो कैसा आया था 10 यूनिट से। और आपको ये भी पता होगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ पेपर वन में अभी रिसेंटली, कितने क्वेश्चन आते हैं गाइस, 50 क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है, यूजीसी नेट में। जो बिगिनर्स हैं वो जान लें, 50 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। दैट मीन्स 50 × 2 इज़ इक्वल टू 100। 50 क्वेश्चंस आते हैं और 10 यूनिट्स होते हैं, ये पहले क्लियर कर लीजिए। नाउ वी हैव टीचिंग एप्टीट्यूड। अब मैं हमेशा बताती हूँ कि 5-5 क्वेश्चंस इक्वली डिवाइडेड होते हैं, बट अगर आपको खुद भी यकीन ना हो तो आप खुद देख लीजिए। ये मैंने दिसंबर 2019 जो ऑफिशियल पेपर आया था उससे मैंने ये निकाला है वेटेज। और बहुत सारी अलग अलग शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होते हैं, मोर और लेस यही पैटर्न देखा गया है। तो दिसंबर 2019 में टीचिंग एप्टीट्यूड में आए थे 5 क्वेश्चंस, रिसर्च, कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन सबसे आए थे गाइस 5 क्वेश्चंस, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। अब यहाँ पे कुछ भी एकदम ऊपर नीचे नहीं हुआ है कि किसी से 4 किसी से 6, नहीं, एकदम इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो 5 यूनिट से 5-5 क्वेश्चंस आए। अब हम लोग देख लेते हैं अगली 5 यूनिट में। सो अगली 5 यूनिट में आए थे हमारे लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, ICT, पीपल एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, सबसे 5 क्वेश्चंस आए थे। अब ये एकदम ऑफिशियल है, मैं कुछ हवा में आपको नहीं बता रही हूँ, जो UGC NTA ने पेपर दिया था उसी से मैंने इस डेटा को निकाला है, उसी को कैलकुलेट किया है, हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैच किया है। सो 5-5-5 क्वेश्चंस गाइज सब में से आए थे। आई होप इट इज़ क्लियर। तो अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, क्योंकि सारे यूनिट से बराबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं स्ट्रैटेजी बता चुकी हूँ, नहीं बताई आपको ये नहीं याद है तो मैं यहाँ पे ऊपर लिंक कर दूँगी, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि UGC नेट का पैटर्न क्या है और आपको कैसे स्ट्रैटेजाइज करनी है अपनी सारी चीज़ें। सो अब आपको एक ब्रीफ ब्लूप्रिंट मिल गया होगा और आपको ये आप समझने में अब समझ सकते हैं आप कि आगे जो जून 2020 का एग्ज़ाम होने वाला है वो जब भी होगा तब आप ऐसा ही पैटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसी पैटर्न के हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आते हैं गाइस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे। सो जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, अब आप समझेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं। तो UGC नेट हर बार एक तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछता है ना। तो मैं इसमें पेपर टू का, मैंने कॉमर्स का डिटेल क्वेश्चंस मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसका एनालिसिस कर चुकी हूँ, बट ये पेपर वन का है। सो एज आई सेड 50 क्वेश्चंस गाइस पूछे जाते हैं। उस 50 क्वेश्चंस को अगर आप यहाँ पे ऐसे डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट
ये वाला एनालिसिस जो मैंने निकाला है वो ऐसे निकाला है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो अराउंड 24 आए थे। डायरेक्ट क्वेश्चंस आप समझते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस एक क्वेश्चन और उसके चार ऑप्शंस दिए जाते हैं, 24 क्वेश्चंस, दैट मीन्स हाफ ऑफ द पेपर में आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। नाउ करेक्ट ऑप्शंस टाइप्स में गाइस क्या आता है कि आपका क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसके चार ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, एंड देन उन चार ऑप्शंस के भी आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपको चूज करना है कि ए बी होगा, बी सी होगा, बी सी ए होगा या ए सी डी होगा। तो वो करेक्ट ऑप्शन टाइप्स वाले वैसे क्वेश्चंस होते हैं। सीक्वेंसिंग में आपकी क्या होती है कि आपको एक प्रोसेस दे दिया जाता है और उसका आपको सीक्वेंसिंग करनी रहती है कि पहले ये आया, फिर ये प्रोसेस आएगा, फिर वो प्रोसेस आएगा। तो वैसे सीक्वेंसिंग के चार क्वेश्चंस आए थे, मैचिंग के दो क्वेश्चंस आए थे, अजर्शन रीजनिंग जो बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं, सिर्फ दो क्वेश्चंस आए थे गाइस। जनरल अवेयरनेस, इसके बारे में भी बहुत लोगों ने बहुत सारा हवा बनाया है, इवन यूट्यूब पे एकदम चैनल्स पे अलग अलग बहुत ज़्यादा वीडियोस चलती हैं, आपको जीए पढ़ाया जाता है, बैक टू बैक पढ़ाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स पढ़े। बट गाइज दिस इज़ नॉट द करेक्ट थिंग, क्योंकि आप जीए अगर पढ़ने लगेंगे, क्योंकि जीए बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो आप अपना जो कोर है, जो कोर एरियाज हैं, वो आप छोड़ देंगे और इसीलिए बहुत ज़्यादा लोगों का पेपर वन जो है वो क्लियर नहीं होता है। तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, आपको जीए में अपना एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, क्योंकि सिर्फ दो क्वेश्चन आते हैं, उसको आप इग्नोर करेंगे और थोड़ा अपडेटेड रहेंगे, स्पेशली फ्रॉम पीपल एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन, देन आई थिंक दिस विल डू दी जॉब। सो जनरल अवेयरनेस के लिए इतना परेशान होना ज़रूरी नहीं है, वो भी मैंने जीए में वो दो क्वेश्चन रखे हैं जो एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए बंदे को कि हाँ हायर एजुकेशन में क्या कब हुआ, पीपल एनवायरमेंट में कब क्या हुआ। सो या दैट्स इट। डीआई हमें सब पता है कि डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन दिया जाता है, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, यू हैव टू सॉल्व इट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैसेज दिया जाता है, उसे 5 क्वेश्चंस रिलेटेड पूछे जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट, ये पूरा एनालिसिस था, क्वेश्चंस मैंने बताए सारी यूनिट से इक्वल वेटेज है, उसी हिसाब से आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कौन सी पढ़नी है कौन सी छोड़नी है। मेरा स्ट्रैटेजी वाला वीडियो और मेरा आई लिंक ऑल द वीडियोज, एंड में भी मैं लिंक कर दूंगी आपको, बट यू शुड वॉच इट ताकि आप आपको पैटर्न मैंने बता दिया है, एनालिसिस बता दी है, एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू नाउ प्रिपेयर फॉर पेपर वन इन अ मोर कॉम्प्रिहेंडिंग वे, राइट। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इन केस आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, एंड यस कॉमेंट करिएगा अगर आपको कोई भी ज़्यादा डाउट है गाइज। तो आई होप द वीडियो वॉज वेरी क्लियर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। And yes, this is our online classes for UGC NET Paper 1, General Paper 1 and for Commerce. And if you want to enroll, you can enroll for our Commerce and for Paper 1 online course, जिसमें आपको सारा PDF lectures मिलते हैं, सारी चीज़ audio lectures, video lectures, सारा कुछ आपको मिलता है। So you get in our course is PDF plus audio lectures, प्लस वीडियो लेक्चर्स, ऑल्सो जो सॉर्टेड पीवीएस पेपर्स हैं, जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो दोनों के लिए एनरोल कर सकते हैं, पेपर वन के लिए आप सेपरेट एनरोल कर सकते हो। सो वी प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल, इन केस यू वांट टू एनरोल यू कैन कॉल अस ऑन 7395755509। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते गाइज़।